नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल मूवी न्यूज पर। दोस्तों आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बॉलीवुड के साल 2024 की एक धमाकेदार कॉमेडी ड्रामा फिल्म। जी हां दोस्तों, हम बात कर रहे हैं फिल्म लापता लेडीज के बारे में, जो कि कुछ ही घंटों के इंतजार के बाद सिनेमाघरों में दस्तक देने वाली है। दोस्तों फाइनली फिल्म की एडवांस बुकिंग भी शुरू हो चुकी है, लेकिन दोस्तों आप सभी को जानकर हैरानी होगी कि फिल्म रिलीज के पहले ही ऑडियंस का दिल जीतना शुरू कर चुकी। जी हां दोस्तों, फिल्म की स्पेशल स्क्रीनिंग आज रखी गई है, जहां फिल्म का फर्स्ट रिव्यू सामने निकलकर आ चुका है। तो अगर आप भी इस फिल्म के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड हैं, तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए। आइए शुरू करते हैं। दोस्तों आप सभी की जानकारी के लिए बता दें कि इस फिल्म को डायरेक्टर किरण राव के डायरेक्शन में बनाया गया है। दोस्तों अगर बात करें फिल्म की फर्स्ट रिव्यू के बारे में, तो दोस्तों फिल्म का फर्स्ट रिव्यू दिया है बॉलीवुड के वन ऑफ द बेस्ट डायरेक्टर करण जौहर ने। जी हाँ दोस्तों, उन्होंने इस फिल्म को मेंशन करते हुए लिखा है जैम, और साथ ही उन्होंने फिल्म की काफी जमकर तारीफ की है। जी हाँ दोस्तों, उन्होंने बताया कि जब साल 2024 खत्म होगा, तो 2024 की सबसे बेहतरीन फिल्मों की लिस्ट में इस फिल्म का नाम आने वाला है। जी हाँ दोस्तों, उन्होंने इस फिल्म की परफॉर्मेंस को सुपरलेटिव परफॉर्मेंस का और ऑडियंस का दिल जीतने वाली परफॉर्मेंस बताया। दोस्तों साथ ही उन्होंने इस फिल्म के बारे में लिखा कंटेंट विद ह्यूमर। जी हाँ दोस्तों, उन्होंने बोला कि इस फिल्म का जो कंटेंट है काफी दमदार होने वाला है। साथ ही उन्होंने डायरेक्टर किरण राव को भी काफी ज्यादा अप्रिसिएट किया। जी हाँ दोस्तों, जिस तरीके से उन्होंने एक जटिल मुद्दे को काफी आसानी से ऑडियंस को दिखाया, ये फिल्म सभी का दिल जीतने वाली है। दोस्तों ये फिल्म 2024 में बॉलीवुड के लिए एक बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्म बन सकती है। फिल्म की एडवांस बुकिंग भी शुरू हो चुकी, जहां से फिल्म को काफी अच्छा रिस्पॉन्स देखने को मिल रहा है। अंदाजा लगाया जा रहा है कि ये फिल्म कल अपने पहले दिन काफी शानदार ओपनिंग लेने वाली है। दोस्तों फिल्म का बजट मात्र 20 करोड़ के आसपास ही बताया जा रहा है। तो दोस्तों आप सभी इस फिल्म को देखने के लिए कितना एक्साइटेड है, आप सभी की राय में कमेंट करके जरूर बताइए। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें।